अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज की जो हमारी टूल्स की सीरीज चल रही थी, उसमें आज जो हम टूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो हीलियम 10 है, कि हीलियम 10 को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू हम किस तरह प्रोडक्ट आइडियाज़ लेके उनका मजीद एनालिसिस, कीवर्ड का मजीद एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, वो आप डायरेक्टली जाके helium10.com की वेबसाइट से भी ले सकते हैं या किसी भी टूल प्रोवाइडर से उसके पे करके उसके लॉगिन्स ले सकते हैं। तो अगर हम एक्सटेंशन भी करना चाहते हैं helium10 की, तो उसके लिए जिस तरह हमने जंगल स्काउट का किया था, helium10 क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, टाइप करके सर्च करेंगे गूगल पे, तो फर्स्ट नंबर पे हमें शो हो रहा है helium10 क्रोम एक्सटेंशन। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ, ये देखिए इसके ऊपर मैं माउस लेके गया हूँ तो उसका नाम शो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ऐड टू क्रोम। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके क्रोम की जो टूल्स का बार बना हुआ है, यहाँ पे helium10 का एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। और उसके बाद helium10 वेब के लिए helium10.com खोलेंगे आप, और उसके बाद लॉग इन पे क्लिक करेंगे। helium10 में लॉग इन करने के बाद आपके पास ऐसा ऐसा डैशबोर्ड उसका ओपन हो जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड पे एक बार है जहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे तो आपको इसके सारे टूल्स शो होने शुरू हो जाएंगे। सो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, तो हम फर्स्ट नंबर पे इसका टूल है ब्लैक बॉक्स अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें आगे से क्राइटेरिया पूछ रहा, कहता है मुझे क्राइटेरिया दो जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप करते हो मैं आपको प्रोडक्ट हंट करके दूँ। तो हमारा क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये हमारा क्राइटेरिया फॉर यूके मार्केट प्लेस। तो अब जो हमारा क्राइटेरिया, उसके टोटल 14 पॉइंट्स हैं, और helium10 का जो क्राइटेरिया है वो बिट डिफरेंट है, बिकॉज हमने जो अपना क्राइटेरिया देना है, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम टॉप 10 टू 15 जो फर्स्ट सेलर्स होते हैं उनको उनका एनालिसिस करते हैं, और helium10 में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हम helium10 से ज़्यादा रिजल्ट लेने के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट ब्रॉड इसको हम क्राइटेरिया दे देंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे और हम उन कीवर्ड्स को, उन प्रोडक्ट्स को जाके अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसका एनालिसिस कर सकें। हम सबसे पहले कैटेगरी चूज़ करते हैं, यहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स चूज़ किया, मैं कैटेगरी चूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स एक देख लेते हैं, पेट सप्लाइज देते हैं कि हमें इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाओ। मंथली रेवेन्यू पूछता है कि प्रोडक्ट का मंथली रेवेन्यू क्या हो, तो मैं कहता हूँ यार वो जो प्रोडक्ट मैं ढूंढ रहा हूँ ना उसका मंथली रेवेन्यू एटलीस्ट 8,000 पाउंड हो। यहाँ से मैंने मार्केट प्लेस यूके चूज करना है लाजमी, पहले जब तो मैं मार्केट प्लेस चेक कर रहा हूँ वो मैंने चूज करना है। प्राइस मैं कहता हूँ 10 पाउंड कम से कम उसकी प्राइस हो, और मैक्सिमम 30 हो एज पर अवर क्राइटेरिया। रिव्यू काउंट मैं उसको बोल देता हूँ कि 250 से ज्यादा की ना हो। रेटिंग होती है वो जो आपके 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार की एक एवरेज रेटिंग निकलती है, वो अमेजोन बना के आपको एक देता है, इसको आपकी रिव्यू रेटिंग कहा जाता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज और लार्ज स्टैंडर्ड साइज हम चूज करेंगे। अवर साइज का हमने डिस्कस किया था कि इसकी स्पेशल फीसिज होती हैं अमेजोन FBA स्टोरेज एंड शिपमेंट की, तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड साइज में हो, तो हम स्मॉल और लार्ज स्टैंडर्ड साइज चूज कर लेंगे। एडवांस फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें जो चीज़ देखनी है, हम यहाँ पे मंथली सेल्स कह लेते हैं कि उस प्रोडक्ट की कम से कम 300 यूनिट लाजमी सेल हो रही हो मंथली, और उसके अलावा कौन सी चीज़ है, वेट उसको दे देते हैं कि 5 LB से ज्यादा ना हो, बिकॉज उससे ज्यादा ओवर वेट प्रोडक्ट हो जाती है। वेरिएशंस कह देते हैं कि उसकी कम से कम 4 वेरिएशंस हो, उससे ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 4 वेरिएशंस हो। वेरिएशंस होती हैं कि किसी किस्म के भी हो सकती है, कि एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी कलर्स, आप कितने कलर सेल कर रहे हो, तो एक कलर अगर ग्रीन है तो एक वेरिएशन है, दो कलर है दूसरा पिंक है तो दो आपकी वेरिएशन हो जाएंगी। तो जितनी ज्यादा वेरिएशन होंगी उतनी ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, और वेरिएशन में हम हम शुरू में नहीं इस चीज़ को डिसाइड कर सकते कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिकेगी, तो हम कहते हैं यार ज्यादा से ज्यादा 4 वेरिएशन हो जाए, उससे ज्यादा ना हो, ताकि हमें इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, इतनी ज्यादा टेस्टिंग भी ना करनी पड़े। बस ये करके हम सर्च पे जब क्लिक करते हैं तो हमें इन दो कैटेगरीज में helium10 हमारे गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाल के दे देता है। उसने 124 प्रोडक्ट्स निकाल के दिए हैं। अब मैं वन बाय वन प्रोडक्ट्स को चेक करूंगा जो सा मुझे अट्रैक्टिव लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, जब तो मेरे सामने इसका प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज नजर आ गया, इसके रिव्यूज जो हैं 52 हैं,
और इसकी प्राइस जो है 12 पाउंड है, इसके इमेजेस भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो मैं इस पे जगह स्कॉट चला के रन करूंगा कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं। जगह स्कॉट बता रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है वो 5,000 पाउंड है, मतलब ये हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही। तो हमारा जो क्राइटेरिया था, हमने कहा था यार 8,000 पाउंड उसका होना चाहिए, और जो रेवेन्यू होता है वो हम जंगल स्कॉट से टेस्ट करते हैं, हीलियम टन के रेवेन्यू पे हम उतना रिलाई नहीं करते। तो ये हमारे क्राइटेरिया को इसने मैच नहीं किया, 5,000 पाउंड की शो कर रहा है, हम 8,000 पाउंड वाला कम से कम प्रोडक्ट ढूंढेंगे। यहाँ पे आते हैं जी, डॉग नेल क्लिपर्स आ गया, इसको क्लिक किया, 158 रेटिंग, इस पर जंगल स्काउट, इस पर जंगल स्काउट रन करते हैं। £70,000 ये एक प्रोडक्ट अर्न कर रहा है, तो मतलब ये हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रही है। मंथली सेल्स भी इसकी अच्छी है, मंथली रेवेन्यू इसका 17,000 पाउंड है, और रिव्यूज भी इसके 250 से कम है, और इसका जो साइज है टायर लार्ज स्टैंडर्ड साइज है, और वेट इसका अंडर 5 LB से थोड़ा है, तो ये हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रही है। लेकिन हमने मार्केट एनालिसिस करना होता है, हम किसी एक प्रोडक्ट की बेस पे, एक प्रोडक्ट के रिजल्ट पे उस पूरे नीच को अच्छा नहीं कह सकते, हमने एक नीच के अंदर सेल करना है एक प्रोडक्ट को, तो हमने चेक करना है कि यार उस पूरे नीच में क्या चल रहा है। तो उस नीच में चेक करने के लिए हमें उसका कीवर्ड पता होना चाहिए, इस प्रोडक्ट का कीवर्ड पता होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे, और देन उसका मार्केट एनालिसिस करेंगे, जैसा हमने जंगल स्काउट पे करते आए हैं। तो उसके लिए हमें कीवर्ड पता होना चाहिए। अब मुझे तो कीवर्ड का पता है, बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो एज अ बिगिनर आपको मुझे पता है इसका जो कीवर्ड है वो डॉग नेल क्लिपर्स होगा, बिकॉज के टाइटल में स्टार्ट में शो हो रहा है, और जो कीवर्ड होता है वो मोस्टली मोस्टली स्टार्ट ऑफ द इन द स्टार्ट ऑफ टाइटल होता है, आपके फर्स्ट लाइन में या मिड ऑफ द सेकेंड लाइन, आपका जो कीवर्ड होता है वो टाइटल में यूज हुआ हुआ होता है। तो मुझे पता है डॉग नेल क्लिपर जिसका कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी करूंगा, सर्च करूंगा अमेजोन पे, और सिंपली उसको फिर उसका एनालिसिस करूंगा जंगल स्काउट से अपने इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अब कीवर्ड का नहीं पता चल रहा, तो वो कैसे पता चलेगा? आप लोग इस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करेंगे। एसिन क्या होता है जी? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन पे जितने प्रोडक्ट भी लिस्ट हुए हुए हैं, अमेजोन उनको एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है यूनिक, वो हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, जिससे वो उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो कहाँ पे हमें मिलता है? हम नीचे उसकी प्रोडक्ट डिटेल्स में जाते हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में देखिए, यहाँ पे ये एसिन शो हो रहा है आपको सामने, इसका एसिन कॉपी करते हैं, और हीलियम 10 का टूल है सेरिब्रो के नाम से। यहाँ पे मैं लेफ्ट पे आता हूँ, तीसरे नंबर पे सेरिब्रो है, रिवर्स एसिन लुकअप यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ से अपना मार्केट प्लेस यूके है मेरा, यूके ही चूज करता हूँ, और प्रोडक्ट एसिन पेस्ट करके एग्जैक्ट एसिन मैच क्लिक करके गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद मुझे हीलियम 10 ने इस प्रोडक्ट का, देखें इसी का एसिन हमने दिया था, ये वाला प्रोडक्ट है जो, और ये हमें यहाँ पे शो भी हो रहा है छोटी सी इसकी पिक्चर। अच्छा, तो हीलियम 10 ने मुझे वो सारे कीवर्ड्स दिखा दिए जिस पे ये वाला प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, या जिस कीवर्ड जो से कीवर्ड्स ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है अपने लिए। तो मेरे सामने नीचे रिजल्ट आ गया, 771 कीवर्ड हैं इस प्रोडक्ट के। तो मुझे अब ये कैसे पता चलेगा यार कि इसका जो मेन कीवर्ड है 77 जो 771 मेरे पास रिजल्ट आया इसमें से, इसका मेन कीवर्ड कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखो यहाँ पे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, साथ सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है, तो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग जो मेन कीवर्ड होता है मैंने आप लोगों को बताया, वो आपके टाइटल में लाजमी यूज हुआ हुआ होता है, दिस इज मस्ट थिंग कि आपके टाइटल में यूज हुआ होगा। तो आप क्या करोगे, आप सॉर्ट करोगे इसको, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, तो हाई टू लो सर्च वॉल्यूम वाले आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। अब डॉग क्लिपर्स आ रहा है, स्लिप एंड स्लाइड आ रहा है, नेल फाइल्स आ रहा है, डॉग नेल्स क्लिपर्स। अब यहाँ पे मैं आऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा यार कि इसने कौन सा कीवर्ड यूज किया हुआ है अपने टाइटल में, डॉग नेल क्लिपर्स। इसने अपना कीवर्ड, जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है वो डॉग नेल क्लिपर्स है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं डॉग नेल क्लिपर्स चेक करूंगा कि इसने यहाँ पे यूज किया हुआ था। ये देखें टाइटल में इसने यूज किया हुआ है डॉग नेल क्लिपर्स, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर मैं मजीद जंगल स्काउट रन करूंगा, और उसका एनालिसिस करूंगा एज पर अवर क्राइटेरिया। नंबर 1 से शुरू करूंगा उसका हीलियम 10 से सर्च वॉल्यूम देखने के लिए। अब हीलियम 10 में सर्च वॉल्यूम कैसे देखा जाता है, इसके दो वेज हैं। फर्स्ट वे तो है कि
आप मैग्नेट में जाते हो, मैग्नेट टूर में जाने के बाद आप यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट करते हो, मार्केट प्लेस लाजमी चूज करना है, जिस मार्केट प्लेस का आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो ना, अगर यूके का आ रहे हैं तो यहाँ से भी यूके करना है ताकि आपको यूके के सर्च वॉल्यूम्स दिखाए। फिर गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसका सर्च वॉल्यूम 7080, कि इसको 7080 लोग पर मंथ सर्च कर रहे हैं। तो हमें इसका सर्च वॉल्यूम पता चल गया, हमने अपना क्राइटेरिया ओपन किया तो वहाँ पे हमारी लिमिट थी कि मिनिमम 5000 लोग इसको सर्च कर रहे हों Helium-10 के टूल्स से हम चेक करें तो हमें कंफर्म हो गया। सेकंड थिंग एक और है आइडिया, एक और जो क्विक वे है चेक करने का, वो जब आप कीवर्ड ऐड करके उसका लिस्टिंग पेज पे आते हो, सर्च रिजल्ट्स पे आते हो, तो यहाँ पे आपने Helium-10 क्रोम एक्सटेंशन की हुई होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे इसका एक्सरे टूल शो हो रहा होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस बार के ऊपर डॉग नेल क्लिपर्स जो आपने कीवर्ड टाइप किया था सामने शो हो रहा है सर्च वॉल्यूम 7080। यहाँ पे देखें 7080 और यहाँ पे भी 7080। तो आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाता है कि आपको Helium-10 पे जाके, मैग्नेट पे जाके टाइप करके amazon.co.uk चूज करके गेट कीवर्ड्स नहीं करना पड़ता, आप यहीं पे सर्च रिजल्ट पेज पे एक्सटेंशन पे क्लिक करते हो और एक्सरे पे क्लिक करके रिजल्ट आपको यहाँ पे ऊपर ये देखें डॉग नेल क्लिपर्स 7080 सर्च वॉल्यूम शो हो रहा। और जी फिर हम इस पे मजीद एनालिसिस करते हैं, हम जंगल स्काउट रन करते हैं इसके ऊपर और जंगल स्काउट रन करके मजीद देखते हैं कि हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही है प्रोडक्ट के नहीं कर रही। तो उसके बाद जी Helium-10 से हमने ये भी देख लिया कि प्रोडक्ट आइडियाज कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट के उसके बाद उसका कीवर्ड कैसे फाइंड करके उसको उस पर अमेजोन पे हम सर्च करके उस पर मजीद एनालिसिस करते हैं। एक और चीज आप लोगों के लिए क्विक है कि एक तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स शो होते हैं उसके बाद आप उसका कीवर्ड फाइंड करते हो, बाद में देखते हो कि उसकी मार्केट में क्या चल रहा है, पूरे नीश में क्या चल रहा है। एक और है कि आप जब ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करके आते हो तो कीवर्ड्स पे यहाँ पे ऑप्शन होता है, पहले आप प्रोडक्ट्स का आ रहे थे अब कीवर्ड्स है, आप कीवर्ड्स चूज करोगे, आप इसको क्राइटेरिया दोगे, बोलोगे जोन से मुझे तुम कीवर्ड दिखाओगे उनका 5000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, उसके बाद प्राइस मिनिमम 10 कर दें, या आपको एवरेज दिखाएगा जो जंगल स्काउट के ऊपर एवरेज रिजल्ट आ रहे होते हैं ना, ये वाले वो एवरेज दिखाएगा आपको Helium-10, एवरेज निकाल के वो कीवर्ड्स बताएगा। अब मैंने इसको बता दिया जो नीश तुम मुझे दिखाओ उसकी एवरेज प्राइस 10 चल रही हो और उसका मैक्सिमम प्राइस जो है 30 चल रही हो, और वर्ड काउंट हम कहते हैं मिनिमम 2 कर लो, मैक्सिमम 4 कर लो उस कीवर्ड के, कैटेगरीज हम अपनी मर्जी की चूज कर लेते हैं, मैं चूज कर लेता हूँ DIY टूल्स और मंथली सेल्स छोड़ दें यहाँ पे क्योंकि हमें एवरेज ही देता है। अब करने के बाद मैं यहाँ पे जब सर्च पे क्लिक करूंगा, जैसे DIY टूल्स के 200+ प्रोडक्ट्स फाउंड दे दिए हैं, अब उनकी एवरेज बता रहा है कि यार इसका सर्च वॉल्यूम तो इतना है, 31,000 लोग शेल्फ ब्रैकेट्स को सर्च कर रहे हैं, इसकी एवरेज प्राइस जो चल रही है पूरे नीच में वो 11.92 पाउंड है, मंथली सेल्स इसकी 83 है, मंथली रेवन्यू इसका 1,000 पाउंड है। तो मुझे पता है यार 1,000 पाउंड वाली तो मुझे चाहिए नहीं थी, जिसका अच्छा एवरेज चल रहा हो 8,000 पाउंड के आसपास जिस नीच में चल रहा हो वो हम सर्च करेंगे। तो इसने आपको नीच आइडियाज दे दिया, पहले आपको प्रोडक्ट देता था वो आप उसके प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप प्रोडक्ट का कीवर्ड फाइंड करते थे और उस कीवर्ड को टाइप करते थे अमेजोन पे, अब यहाँ पे उसने आपको डायरेक्ट कीवर्ड ही दे दिया, आपको प्रोडक्ट फाउंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका जो काम है थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब उसने आपको डायरेक्ट एक कीवर्ड दे दिया, सेंडिंग पैड एक कीवर्ड है, उसको आप कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद सर्च बॉक्स में जाके अमेजोन पे पेस्ट करोगे सेंडिंग पैड्स, एंड जो रिजल्ट आएंगे उस पर आप जंगल स्काउट रन करोगे और क्राइटेरिया से मैच करोगे। तो इसमें Helium-10 से जो हमने अपने क्राइटेरिया में चेक करना था, एक था कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, वो मैंने आपको बता दिया कैसे चेक होता है, दूसरा था CPR 8 days giveaway। CPR 8 days giveaway क्या होते हैं कि आपने अगर इस कीवर्ड पे रैंक होना है, सेंडिंग पैड्स पे आपने अगर रैंक होना है, आप चाहते हो मैं फर्स्ट पेज पे शो हूँ जबकि बंदा सेंडिंग पैड सर्च करे, तो उसके लिए आपको कितने गिव अवेज करने पड़ेंगे, कितने यूनिट्स आपको सेल लानी पड़ेगी कम से कम 8 दिनों के लिए, तब जाके अमेज़न आपको फर्स्ट पेज पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो करेगा। तो वो कहाँ से चेक होता है, सेंडिंग पैड कीवर्ड को कॉपी किया, दोबारा मैग्नेट में आया कीवर्ड रिसर्च पे, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। जब मैंने गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आप इसका सर्च वॉल्यूम तो बता रहा है सेंडिंग पैड्स को 5,775 लोग सर्च कर रहे हैं करंटली पर 30 डेज,
लेकिन सीपीआर रेट इस गिव इसका 128 है, मतलब 128 लोग, 128 यूनिट्स आपको गिव अवे करने पड़ेंगे 8 दिनों में, अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा सेंडिंग पैड सर्च करे तो आप फर्स्ट पेज पे शो हो, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो हो। तो 128 को हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 8 डेज पे, 128 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 16 यूनिट्स हमने गिव अवे करने हैं इस पे रैंक होने के लिए। अब गिव अवे क्यों करने पड़ते हैं, बिकॉज हम शुरू में जब लॉन्च करते हैं हमारे पास रिव्यूज भी नहीं होते, हमारे पास अच्छी पोजीशन भी नहीं होती, तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम 16 यूनिट्स एक दिन के सेल लेके आए, फिर दूसरे दिन भी 16 लेके आए, कम से कम 8-9 दिन के लिए हम 16 यूनिट्स डेली के लेके आए, मतलब मिनिमम 16, ज्यादा जितने भी होते हैं 16 लेके आए, देन अमेजोन हमें रैंक करे। तो हम गिव अवेज करते हैं डिफरेंट टेक्निक से ताकि हम इस कीवर्ड्स पे रैंक, इस कीवर्ड पे रैंक हो जाए। तो ये कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड आके टाइप करना है सीपीआर डेज गिव अवे शो होते हैं, हमारी जो क्राइटेरिया की लिमिट थी वो है 600 से ज्यादा ना हो, बिकॉज जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारा रैंकिंग बजट बनेगा। तो 128 है, ठीक है, क्राइटेरिया मैच हो गया। और जो लास्ट थिंग जो हमने देखनी थी, कीवर्ड फ्लक्चुएशन थ्रू हीलियम 10, कि हीलियम 10 में उसको 2500, अगर हम उसकी कीवर्ड फ्लक्चुएशन चेक करें तो उसकी 2500 से ऊपर ही हो, वन लास्ट पास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में। तो वो क्या होता है जी कीवर्ड फ्लक्चुएशन, अब ये जो करंटली आपको रिजल्ट शो हो रहा है 5775 के, इसको पर मंथ के करंटली, इसको एवरेज 30 दिन के निकाल के बताता है आपको हीलियम 10 के, करंटली इसको 5775 लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आज इस महीने में कर रहे हैं, तो जनवरी में भी इतना ने किया हो, फरवरी में भी इतना ने किया हो, या दिसंबर में भी इतना ने किया हो, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट सीजनल होती हैं जिनको जस्ट 3, 4, 5 या 1 महीने जस्ट लोग सर्च करते हैं, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर कोई भी सर्च नहीं करता। तो हम कहते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जिसमें फ्लक्चुएशन तो हो, फ्लक्चुएशन तो डेफिनेटली होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका जो 12 के 12 महीने कीवर्ड सर्च वॉल्यूम एक जितना रहे, तो फ्लक्चुएशन तो होती है। तो हम कहते हैं फ्लक्चुएशन हो, लेकिन यार कम से कम ऐसी ना हो कि किसी कोई महीना ऐसा ना हो कि उसमें 2500 से कम लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हो, मतलब उसकी इनफ थोड़ी बहुत डिमांड हो कि जनवरी में, यार अगर चलो जनवरी में थोड़ा नीचे आ गया तो 25 से 3 हज़ार लोग सर्च तो कर रहे हैं ना उसको, मतलब उसकी इनफ डिमांड हो। ये ना हो कि बिल्कुल अभी 5 हज़ार है जनवरी में, बिल्कुल 2 बंदे या 200 या 300 हो सर्च कर रहे हो, या बिल्कुल डेड इसका सर्च वॉल्यूम हो गया हो। तो वो कहाँ से चेक करते हैं, सेंडिंग पैड्स पे आऊंगा मैं, गेट कीवर्ड्स करूंगा, सर्च वॉल्यूम के साथ छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मुझे बता रहा है 30 डेज का देखने हैं, 90 डेज का, 1 ईयर का, ऑल टाइम का। मैं कहता हूँ मुझे लास्ट 1 ईयर की इसकी हिस्ट्री बताओ कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम की। मैं 1 ईयर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बताता है, कहता है जुलाई 2019 में आप देखना चाहते हो तो इसको 475 लोगों ने जस्ट सर्च किया, उसके बाद जुलाई से लेके अगस्त तक यही रहा, सितंबर में इसको 300 लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया, सितंबर के बाद थोड़ा सा बूस्ट मिला, अक्टूबर में 969 लोगों ने, एंड देन नवंबर में 1000 लोगों ने, देन दिसंबर के एंड में दोबारा नीचे चला गया, 450 लोगों ने जस्ट सर्च किया, और अभी जाके इसको बूस्ट मिला मार्च में कोरोना पेंडेमिक में जाके 5000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि यार दिस इज अ काइंड ऑफ सीजनल प्रोडक्ट जिसको अभी कोरोना पेंडेमिक में बूस्ट मिला है, थ्रू आउट द ईयर हमने जब चेक किया तो उसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम था, 475 लोग सर्च कर रहे थे 1 महीने में, एक में 300 कर रहे थे, एक में चलो 900 ने किया, बट बहुत कम है, हमारा जो लिमिट है कि 2500 से कम उसको किसी महीने में भी किसी ने सर्च ना किया हो। तो जिसका इसका मतलब है कि ये जो क्राइटेरिया हमारा क्राइटेरिया नंबर 12 है, इसको ये जो कीवर्ड है सेंडिंग पैड्स ये फुलफिल नहीं कर पाया, तो दिस इज नॉट आवर विनिंग प्रोडक्ट। तो हीलियम 10 से हमने यही 3 चीज़ें देखनी होती हैं, रेस्ट आप लोगों को आइडिया भी मैंने बता दिया कैसे लिया जाता है, ब्लैक बॉक्स से फिल्टर कैसे यूज़ किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड करके उसका कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं कि उसका मेन कीवर्ड क्या है, और उसके बाद मैंने कीवर्ड फ्लक्चुएशन भी बता दी कैसे चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं, और सीपीआर रेडियस कीवर्ड भी बता दिए। तो हीलियम 10 का अभी तक के लिए हमने जस्ट यही चीज़ें यूज़ करनी है, नेक्स्ट जो वीडियोज़ की होगी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड वो भी बनाएंगे, वो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट फॉर नाउ हमने जंगल स्कॉट भी कवर कर लिया, हमने हमने हीलियम 10 भी कवर कर लिया। सो अब आप लोगों को जो क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर हुआ था, यू गाइस शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फाइंड करके उनको शीट में ऐड करते जाएं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, जजाकअल्लाह।